गुरु जी हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात करा दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे, जो सुधरना ही ना चाहे, रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे। गुरु जी जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब हाँ। से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, दो दिन तीन दिन छूटता है हाँ। फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरु जी संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं, बहुत बोलने ना दोगी उनको। संगत हमारी वही काम ही है गुरु जी, तो संगति ऐसी छोड़ो ना। भगवान के मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें सब महिलाओं से रिलेटेड यार, पूजा प्रार्थना इच्छा कामना आकांक्षा ज्योति बाती पुष्पांजलि, लड़कों के लिए क्या। कितनी बार लेते हो दिन में। दो तीन बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो, तो पैसा कहाँ से आता है। अच्छा वो एक मंत्री चले गए गांव में, आजकल चला ना गांव गांव अभियान, वो गांव में चले गए, जाते उन्होंने पूछ लिया, एक ताई खड़ी थी, बोले ताई कोई दिक्कत तो नहीं है थारे गांव में। बोली बेटा दो दिक्कत हैं। बोले क्या दिक्कत हैं। बोले एक तो हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। बोले अच्छा इतनी सी बात। मंत्री जी ने आव देखा नहीं, ताव एक मिनट में मोबाइल निकाला, अपने पीए को फोन मिला, बोले भाई मैं फलाने गांव में खड़ा हूं और यहां ये समस्या है, कल ही शिलान्यास करवाओ, अस्पताल की घोषणा कर दो बनवाने की। अब इतना कहते ही उन्होंने कहा ले ताई तेरा एक काम तो हो गया, अब बता तेरा दूसरा काम के है। बोले जी हमारे गाँव में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। पहुंच गई। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं खाने को लेकर, लगभग लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया हाँ। पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन, बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे, बोला जी रामलाल से बात करूंगा हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाएगा। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आयोगी घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं, आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं, उनके गुरु शंकर हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में माँ सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते वो। This is called institutional pride. ये जो आपका institute है chartered accountant का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए जो आपने बैच लगाया है। फिर क्या कहते हैं हनुमान, वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं, राम दूत में मात जानकी, माँ मैं राम का दूत हूँ, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूँ। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे हम लोग, सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में।
एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के दो चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के चार चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपए आ जाओ तो मुझे जगा देना। अब ये टीवी का अखबारों का जो खुमार है अपने चंबल के बीहड़ में भी पहुंच गया। एक बंदर ने एक शेर की पूंछ खींच दी, शेर ने बंदर को खदेड़ लिया, बंदर आगे शेर पीछे, अचानक एक अखबार पड़ा था, बंदर ने अखबार उठाया और ऐसे बैठ के पढ़ने लगा। शेर आया तो उसको बंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो शेर ने घूमकर पूछा आपने इधर से कोई बंदर जाते हुए देखा है क्या? तो बंदर बोला कौन सा वाला? वही जो शेर की पूंछ नोच के भाग गया। शेर बोला कमाल है, अखबार में भी छप गई। तो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की इतनी ज्यादा है।